वाहे गुरु 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 जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जाने मैं मद माता मरना चीत न पावे मेरे राम राम तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को पाओ कुछ नहीं जम नहीं आने जो तेरे रंग राजे स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मिटे को सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहर आराधे तेरी शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट ले सास ज्ञान ज्ञान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक सबसे वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सारे वाहे गुरु 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 सतनाम 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु 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 Bye.
वाहेगुरु 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 वाहे गुरु 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 हे गुरु। एक ओंकार सतनाम करदार पुरख निरभव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करदार पुरख निरभव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करदार पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करदार पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करदार पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद सच। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। हम सबका जीवन जीवन इस शिकायत में बीत जाता है कि लोग हमारी बात नहीं सुनते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। हर एक की ये कंप्लेन है कि दरानी मेरी बात नहीं सुनती, जठानी मेरी बात नहीं सुनती, सास मेरी बात नहीं मानती। हर आदमी लगा हुआ है दूसरे को बदलने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ध्यान से समझना कितने कमाल का पहलू है। हर इंसान चाहता है कि हर कोई उसकी बात सुने और इसमें वो सारा जीवन अपने सारे ताकत लगा देता है दूसरे को बदलने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बादशाह फरमाते हैं तेरा रास्ता ही गलत है। बाणी में बड़ा प्यारा रास्ता बताया है हर पहलू पे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बादशाह कहते हैं तेरी शुरुआत ही गलत है, तेरे विचार ही गलत हैं, तू दूसरों के बदलने में अपना सारा जीवन बिता रहा है। करना क्या था वाणी समझाती है, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। सवारना तुझे अपने आप को था पर तू सवार रहा है दूसरों को। कितने प्यारे पहलू है, बड़े ध्यान से समझना वाणी को। आप सवारे मैं मिले, कहते हैं जोर लगा
पर अपने आप को सवारने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इससे क्या होगा? वो मिल जाएगा, अपने आप को सवार लेगा जब, तो ये मिल जाएगा। और अगर ये मिल गया, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तू शिकायत करता, कोई तेरी बात नहीं सुनता, अगर तूने उसे अपनी तरफ कर लिया, सारी दुनिया तेरी बात सुनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सवाल उठता है, हम उसे अपनी तरफ लाएं कैसे, ये कैसे हो जाए? आप सवारे मैं मिले, मैं मिले यहाँ सुख होए, जे तू मेरा होए रहे। अब ये कैसे हो जाए कि वो हम उसके बन जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और शब्द के विचार करते हैं, साथ साथ में शब्द गायन करते हैं, साथ साथ में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये पहलू समझ में आ गया ना सात संगत जी, जीवन बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिकायत खत्म हो जाएगी जीवन में से, हर आदमी अच्छा लगने लगेगा, किसी में बुराई दिखेगी नहीं, अगर ये पहलू आ गया तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया करो नानक गुंगावे, मीठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुंगावे, मीठा लगे तेरा पाना।
सब कछ नासियो कब क्या करता कवन करम कर आया जब कछ नासियो तब क्या करता कवन करम कर आया जब कछ नासियो कब क्या करता कवन करम कर आया जब कछ नासियो तब क्या करता कवन करम कर आया ठाकुर रचन रचाया दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाया दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाया निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी करम करम नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना
मुझते कछु ना होई अपे करता आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई सर्व निरंतर सोई सर्व निरंतर मेरे राम राए मुझते कछु ना होए मेरे राम राए मेरे राम राए मुझते कछु ना होए गुण मुगद अजान अज्ञाने गुण मुगद अजान अज्ञाने करम करम नहीं जाना करम करम नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे लगे तेरा पाना दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना गणती गणी ना छूटे कत हूँ काची दे आड़ी गणती गणी ना छूटे कत हूँ काची दे आड़ी काची दे कृपा करो प्रभु करने हारे
निराले दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना दया करो 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 नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना कट तू ही ते आए जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आए जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आए जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आए जी जन सब तेरे कीते जी जन सब तेरे कीते कट कट तू कट तू ही ते आए हाँ जी
बाट तू ही ते आए अट कट तू ही ते आए तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए हर का नाम अराद सब नाते बटा नाम अराद सब नाते बड़ा सब नावे अगे आन निवा यहां से बोलिए धन गुरु नाम धन गुरु नाम धन गुरु नाम पंक्तियों पर ध्यान देना सो गुरमुख नाम जपया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक हमारा रास्ता ही गलत है हमारी सोच गलत है एक आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है खींच रहा है जोर से नहीं खुल रहा है दो चार लोगों को मदद के लिए बुलाया वो भी खींच रहे हैं साथ में नहीं खुल रहा काफी समय हो गया दरवाजा जाम है नहीं खुल रहा फिर एक आदमी आया वो आराम से दरवाजा खोलकर चला गया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक क्या भूल हो रही थी ये सारे बाहर खींच रहे थे दरवाजा खुल रहा था अंदर की तरफ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु की वाणी यही बात समझा रही है
सारे दुखों क्लेशों का इलाज अंदर है, तो बाहर जोर लगा रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर चीज का हल है। ये हमारी कंप्लेंट क्या है, हमारा सारा जीवन कहां बीत रहा है, दूसरे को चेंज करने में कि वो बदल जाए। वाणी कहती है नहीं हो सकता, हो सकता है एक तरीका है, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, एक का बन जा सारे तेरे बन जाएंगे। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक को अपना बना ले, एक का हो जा, पर ये हो कैसे। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंक्तियां कितनी प्यारी है, सो गुरुमुख नाम जपया वड पागे, तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए, जो नाम जपते हैं उनके निंदक, ध्यान देना साध संगत जी, निंदक हर एक के होते हैं, चाहे कोई भी हो। गुरु नानक पातशाह को लोगों ने भूतना बेताला, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह तक की निंदा की लोगों ने, पर वही निंदक जो निंदा करते थे एक दिन आकर चरणों में गिर पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये नाम की वड़ियाई है, जो नाम जपते हैं गुरमुख, जो उनकी निंदा करते हैं, जो उनकी बुराई करते हैं, एक दिन आता है वो उनके चरणों में आकर गिर पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कंप्लेन बंद करो करनी कि सामने वाला मेरी बात नहीं मानता, कभी भी नहीं मानेगा। एक के हो जाओ सारी दुनिया बात मानेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु साहब जी की हजूरी में बात मुझे अचानक यहाँ पे याद आ गई, गुरु साहब जी की हजूरी में सच्ची घटना दास आपको सुना रहे हैं, सच्ची घटना। ये बात वैसे इसके साथ अटैच नहीं है, पर नाम की वड्याई, अमृत वेले की वड्याई। दास एक जगह कीर्तन करने गया, जगह का नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि किसी घर की बात है, वो ढकी रहे तो अच्छी है। उनके बहुत सारे पेट्रोल पंप्स, बड़े अमीर लोग, तो मुझे जो उनकी बहू थी और बेटा, वो मुझे कहने लगे दोपहर को आपने हमारे साथ जाना है एक पेट्रोल पंप पे चरण डालने, ऐसे वो जैसे कहते हैं लोग। ले गए मुझे, मुझे समझ में नहीं आया क्यों लेके जा रहे हैं, पर जब वहां गया तो दोनों रो पड़े। क्या कहती है बहू कि मेरी सास, मेरी ननद, ये मुझे 3 बार जहर देकर मारने की कोशिश कर चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहर देकर मारने की कोशिश कर चुके, मुझे मारना चाहते हैं, मैं क्या करूं। मैं जिस घर से आई हूं, मुझे यह सिखाया गया है कि घर तोड़ना नहीं है। मेरा घर वाले भी कहते हैं कि अलग हो जाते हैं, पर मैं नहीं चाहता अलग होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छी शिक्षा थी उसकी, उसकी सोच देखो नेक थी कि मैं अलग नहीं होना चाहती घर से। कोई कोई जरिया, कोई तरीका बताओ कि ये जो मुझसे नफरत कर रहे हैं, ये मुझसे प्रेम करने लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच कहता हूँ साथ संगत, उस वक्त मुझे भी, ये काफी साल पहले की बात है, तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है, मुझे भी नहीं पता था कि अमृत वेले की ताकत क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों ने मुझे कहा था, मैंने उनसे कह दिया कि भाई अमृत वेले उठ के नाम जपो, अमृत वेले की वड़ियाई है कि पुण्य जन्मों की बात दिनों में बन जाती है, कर्म मिट जाते हैं। महापुरुषों ने कहा था मुझे, मैंने उनसे कह दिया। कहने लगे कितने बजे उठे, मैंने कहा जितनी जल्दी अपने दुख को दूर करना चाहते हो उतनी जल्दी उठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो मेरे होते हुए, मैं वहां 3 दिन का प्रोग्राम था, मेरे होते ही अगले दिन से ही उन्होंने 2 बजे उठना शुरू कर दिया। मैं प्रोग्राम करके वापिस आ गया, 2 दिन बाद मुझे फोन आया साथ संगत उसी लड़की का, और वो फोन पर जोर जोर से रो रही है। मैंने कहा हुआ क्या, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई। फिर कहने लगी नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति, अमृत वेले सिर्फ मुझे 4 दिन हुए उठते हुए, 4 दिन, और मेरी सास और मेरी ननद मेरे चरणों में गिर पड़े हैं, मेरे पैरों पर गिर कर रोए और अपनी किए की माफी मांग रहे हैं कि हमने ये गलतियां की हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए एक तो ये हो गई, मैंने एक बात सुना दी,
पर वाणी इसे प्रमाणित कर रही है। सो गुरुमुख नाम जपया वड पागे, तेरे निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। जो आपके खिलाफ हैं वो आपकी तरफ हो जाते हैं, आपके आगे सर झुका देते हैं। अगर कोई नाम जपता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस नाम की ताकत को समझो, और वही नाम जब अमृत वेले उठ के जपा जाता है उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। कल भी दास ने कहा था, 10,000 बार दिन में कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, अमृत वेले एक बार कर ले, एक बराबर है, एक बराबर। अगर आप हिसाब लगाए ना इसका, ये वचन गुरु नानक पाशा के जन्म साखे में लिखे हुए, और बाबा नंद सिंह जी तो बार बार दोहराते थे ये वचन। कहते थे किसी के यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसने गरीबी में जन्मना है, गरीबी में ही मर जाना है। किसी के यहाँ लिखा हुआ है कि इसने तड़प तड़प कर कैंसर से मरना है। कहते थे संभाल ले अमृत वेला, अगर संभाल ले कोई अमृत वेला गुरु नानक को, उसके कर्म काटने पड़ जाते हैं, वो गरीबी जन्मों की सपने में काट देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो, नाम ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1430 अंग हर पंक्ति पर वड़ियाई है, तो केवल नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। या नाम की या नाम जपने वालों की, जिन्होंने नाम जपा। कबीर जी के वक्त, फरीद जी के वक्त, रविदास जी के वक्त राजा कौन था कोई नहीं जानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कबीर जी का नाम, फरीद जी का नाम, रविदास जी का नाम, नामदेव जी का नाम सब जानते हैं, और रहती दुनिया तक रहेगा। क्यों? उन्होंने जपा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक नाम अराध सबनाते वड्डा, गुरु नानक पाछा कह रहे हैं क्यों नहीं जपता। सब नावे अग्गे आन निवावे, नाम के आगे सब झुक जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात हमारी चल रही है कि कैसे इसके हो जाए, कैसे इसे अपना बना ले, क्योंकि जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। अगर इसके बन गए सारा संसार तुम्हारा बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है, गुरु की वाणी। जो आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, तीन काल जो सत है, वो वाणी कह रही है कि नाम जप तेरे निंदक, तेरे दुखी, तेरी बुराई करने वाले, तुझसे दुश्मनी करने वाले तेरे आगे झुक जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़ें फिर विचार आगे बढ़ाते। निर्गुण मुगल अजान अज्ञान, निर्गुण मुगल अजान अज्ञान, निर्गुण मुगल अजान अज्ञान, निर्गुण मुगल अजान अज्ञान। करम करम नहीं जाना, करम करम नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावे, मीठा लगे तेरा पाना, दया करो नानक गुण गावे, मीठा लगे तेरा पाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। दया करो नानक गुण गावे। ध्यान से समझना इस बात, बात चल रही है कि कैसे गुरु नानक को अपना बनाए, गुरु नानक के हो जाए। पाछा कहते हैं एक ही जुगती है, अगर इसे अपना बनाना है एक ही जुगती है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। घर कब टूटते हैं? जब कोई किसी की बात नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। झगड़े कब होते हैं? जब कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता। कोई अपना कैसे बनता है? जब हम उसे खुश कर देते हैं। खुश कैसे करते हैं? उसकी बात मानकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
बस वाणी यही रास्ता बता रही है। दया करो नानक गुण गावे, क्या होगा? मिठा लगे तेरा भाना। जिस दिन उसका किया हुआ हर काम तुझे भाने लग जाएगा, शिकायत नहीं होगी उसमें फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस दिन तेरी शिकायत खत्म हो गई, जिस दिन तूने यहाँ पे आके सर झुका दिया केवल शुक्राने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं। मांगता आदमी कब है जरा ध्यान से विचारना। महापुरुष कभी कुछ नहीं मांगते गुरु से, आपको पता है ये बात। महापुरुषों में और आम इंसान में फर्क क्या होता है? वो कभी कोई डिमांड नहीं करते गुरु से, गुरु जो करता है उसमें अपनी खुशी जाहिर करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आम इंसान रोने लग जाता है, ताने देने लग जाता है, महापुरुष खुश होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से बात को समझना। मिठा लगे तेरा भाणा, ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन, पर कोई कर ले अगर ये, अपनी डोरी गुरु को सौंप दे, कोई शिकायत न करे यहां पर, केवल शुक्राना पाछा तेरा शुक्र है। और गुरु फिर चाहे जो मर्जी करे, इम्तिहान लेता है गुरु। हम थोड़ा सा दुख आए शिकायत करना शुरू कर देते हैं। जिसकी शिकायत खत्म हो गई, शिकायत कौन करता है? ये पंक्तियां हैं, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख गाविए सुनिए मन रखिए भाव, भाव से गा और सुन वाणी को, तो क्या होगा? दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख गुरु के चरणों में दे जा और सुख ले जा। यहाँ पर दुख क्या है और सुख क्या है इसे समझना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख है अज्ञान, सुख है ज्ञान। अपना अज्ञान यहाँ पर छोड़ जा, ज्ञान ले जा। अज्ञान क्या है? अज्ञानता यह है कि गुरु तूने ये क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ज्ञान है गुरु तूने जो किया वो अच्छा किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, जो वाणी को भावना से गाते हैं, भावना से सुनते हैं, उन्हें ये दात मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये वाणी की ताकत है, इसलिए दास कई बार कहता है कि एक बार दास गाएगा एक बार सारी संगत, गाया करो साथ में। पर गाना कैसे है? मन रखिए पाओ, मन में भावना रखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भावना क्या है? ये जो मैं नाम जप रहा हूं, जप रही हूं, यही मेरे साथ जाएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। नानक नाम अराध सबनाते वड्डा, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में, सृष्टि में कुछ है तो वो ये नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपना दो तरह का होता है, एक ढेंदी कला एक चढ़दी कला। कहते हैं ना नानक नाम चढ़दी कला, क्यों कहते हैं? नाम जपो तो चढ़दी कला में। एक होता है कि जपना है मायूसी में बैठे नित्यनेम पूरा करना है, एक चाव होता है जपने का। जो गुरुमुख होते हैं उन्हें चाव होता है कब अमृत वेला होगा, कब गुरु के चरणों से जुड़ेंगे। और जो मनमुख होते हैं उन्हें गुटका पकड़ते ही नींद आने लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अपने आप को चेक करने का तरीका है। नानक नाम चढ़दी कला पाछा चढ़दी कला बख्शे, कहने का भाव जब नाम जपे तो आनंद आ जाए, रूह खिल उठे, रोम रोम खिल उठे, चाव चढ़ जाए। विसर नहीं दातार अपना नाम देव, गुण गावा दिन रात नानक चाव। ये चाव पैदा हो जाए नानक चाव ए हो, ये चाव पैदा हो जाए कि मैं तेरा नाम जपूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। सुख है ज्ञान, दुख है अज्ञान, दुख है शिकायत, सुख है शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये विचार बदल जाते हैं, ये वाणी की ताकत है साध संगत जी। जो जीव अमृत वेले उठ के गुरु के चरणों से मन जोड़कर वाणी पढ़ते हैं उनके नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं, ये है ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उदाहरण दास ने कई बार दिया है, ध्यान से सुन लीजिए, ये पता चलेगा कि सत्संग ये नाम करता क्या है। एक घर वाला चिट्ठी लिख रहा है, कुछ लिख रहा है बैठकर कमरे में, और बड़े उदास मन से लिख रहा है कि ये साल मेरा बड़ा ही बुरा बीता,
इस साल मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, इसी साल मेरे बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी तरह से टूट गई, इसी साल मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया, मेरा ऑपरेशन हो गया, ये सब लिख रहा है बैठकर। इसी साल मैं रिटायर भी हो गया, खाली बैठा हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे जीवन का ये साल मेरा सबसे दुर्भाग्यपूर्ण सबसे बुरा बीता, वो इस प्रकार से लिख रहा है। उसी वक्त उसकी घरवाली कमरे में आती है, वो घरवाली अमृत वेले उठ के नाम जपती है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब उसकी सोच में फर्क देखो, दोनों की परिस्थिति एक है पर मन स्थिति भिन्न भिन्न है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। परिस्थिति दोनों की एक है, घरवाली और घरवाला है, जो दुख उसे है वही उसे है। पर घरवाली क्या कहती है कि मैं सोच रही थी कि ये साल हमारा कितना बेहतर बीता। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस साल के जैसा नेक साल तो पूरे जीवन में नहीं आया। घरवाला हैरान हो गया, कहने लगा क्या खास बात है इस साल में। कहने लगे देखो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, बड़ी उम्र हो चुकी थी उनकी, कितनी सहज मृत्यु हुई, कोई हॉस्पिटलों के धक्के नहीं खाने पड़े, कोई डॉक्टरों के पास नहीं, उन्हें तड़पना नहीं पड़ा, रात को सोए सुबह है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोच का फर्क देखिए, मृत्यु हुई है घर में पर पति कैसे भी सोच रहा है, घर वाली कैसे सोच रही है। कहने लगी दूसरी बात, हमारे बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी टूट गई पर बेटे को एक खरौंच नहीं आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। घर वाला रो रहा है कि गाड़ी टूट गई, घर वाली खुश है कि बेटा बच गया। सोच का फर्क। कहती है आपको कमर में कितना दर्द रहता था, आपके गॉल ब्लैडर निकल गया, आप ठीक हो, कोई तकलीफ नहीं है, कितना बढ़िया हो गया, आप रिटायर हो गए, आपको लिखने का शौक था, अभी आप बैठकर कुछ लिख सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पति जिस बात को नेगेटिवली ले रहा था, पत्नी पॉजिटिवली ले रही थी। ये फर्क आ जाता है, ये है ज्ञान। हम गुरु के आगे आके तब तक रोते हैं जब तक अज्ञानी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई किसी देश का वीजा लगाना चाहता है, नहीं लगा, रो रहा है बैठकर, मेरा वीजा नहीं लगा। पर क्या हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे सबसे मूर्ख हैं वो लोग जो गुरु को आके कहते हैं कि मेरा ये काम कर दे। सबसे बड़े मूर्ख हैं जो गुरु को आके कहते हैं कि मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम नहीं हो रहा। क्यों? कोई मानो हमें कोई रिश्ता पसंद है, गुरु को आगे अरदास करें पांच छह रिश्ता हो जाए, आगे चल के जब उसमें दुख निकल आए फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वाणी तो कहती है कुछ भी मांग ले, नाम को छोड़ के कुछ भी मांग ले, दुख ही निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, ये गांठ बांध लो इस बात को, इसे छोड़कर कुछ मांगा, नाम को छोड़कर कुछ भी मांगा, दुख निकलेगा ही निकलेगा, पछताओगे। दे नाम संतो किया उतरे मन की भूख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे मूर्खों में से महामूर्ख हैं वो लोग जो गुरु को आके कहते ऐसा कर दे। इसका मतलब ये हो गया गुरु नानक को नहीं पता कि क्या करना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। और जो ढीठ होकर मांग कर कुछ लेते हैं बाद में दुखी होते हैं। कहना क्या चाहिए, पांच छह रिश्ता करने जा रहे हैं, अगर तुझे भाए तो कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। ना भाए तो मत होने देना, हमें नहीं पता आगे सुख है या दुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो इस प्रकार से अपनी डोरी गुरु नानक पर छोड़ते हैं, गुरु नानक उन्हें दुखी होने देगा? होगा भी दुख तो काट देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और छोड़े तो सही, शिकायत जब हम करते हैं गुरु के नजरों में गिर जाते हैं। वाणी क्या कह रही है, दया करो नानक गुण गावे, तेरे गुण गाऊं और तेरा भाणा मुझे मीठा लगे, तू जो करे मुझे अच्छा लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ एक बार दास, एक बार सारी संगत, पर कैसे गाविए, सुनिए, माने रखिए भाव, आंखें बंद कर लो, पेट सीधे जुड़ कर गाना है हर एक ने, ये हाजिरे लगवाओ, ये पुकारो पाछा तरस कर, ये भाणा मानने की दात माना। हम इस लायक नहीं कि 100% तेरा भाणा मान सके, 10-20% चलने की तो ताकत बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया करो नानक गुण गावे,
मिठा लगे तेरा पाना, सारी संगत दया बाबा फिर से दया करो दया करो दया करो दया दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना ओ दया करो निर्गुण मुगल अजान अज्ञानी निर्गुण मुगल अजान अज्ञानी निर्गुण मुगल अजान अज्ञानी परम करम नहिरा परम करम नहिरा मीठा लगे तेरा पाना दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु को अपना बनाना है तो उसका भाणा मानना पड़ेगा वो जो करे अच्छा है हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक शिकायत खत्म हो जाए शुक्राना रह जाए बस ये पाछा तेरा शुक्र है जिस ती की वस्त तिस आगे राखे उसते चौगन करे निहार नानक साहेब सदा दिया जब गुरु अपने दिए हुए दांतों में से कुछ ले ले मानो किसी को बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाए जो कुछ दिया हुआ था वापस ले लिया अब वो गुरु को आके आके रोता है कि तूने ये क्या किया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक वापस कभी वो दाते नहीं मिलेंगे ये बाणी कहती है पर जो गुरु के आगे आके ये कह दे पाचा तेरा था तूने ले लिया तेरी मर्जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक उसते चौगुन करे निहाल गुरु से चार गुना दे देता पर बशर्ते कोई आके ये कह दे कोई कहता नहीं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक भाणा मानना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतिहास गवाए साथ संगत इतिहास ऐसी ऐसा इतिहास पूरे सृष्टि में नहीं मिलता कि अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को खुद शहीद करवाना किले में खड़े होकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने बच्चों के छाते नाप रहे हैं भाई दया सिंह जी पूछते हैं क्या कर रहे हैं आप कह लगे भेज रहा हूं नीचे युद्ध के लिए देख रहा हूं कितने तीर सहलेगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक पर जब अपने चारों बेटे शहीद करवा लिए उसके बाद क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं कि एक बार भी कहीं पढ़ा है अरदास के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि तेरी वस्तु थी
तुझे सौंप दी। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वहां पर ये शब्द उच्चारण किया कि मित्र प्यारे नो हाल मुरे दादा कहन। अवस्था देखिए, अपने चारों बेटे शहीद करवा कर शिकायत नहीं कर रहे, शिकायत कर रहे हैं पर किस बात की, कि मैं दुखी हूं हे परमात्मा तेरे बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। तेरे बिछोड़े से, अपने बच्चों के बिछोड़े से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसे हो सकते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे पर हम उनके सिख हैं। माना बड़ी बड़ी बात हम नहीं सहन कर सकते, हम अपने बच्चे नहीं शहीद करवा सकते, पर छोटी छोटी बातों के लिए जब गुरु के आगे आके रोते हैं ना कि ये क्यों हो गया, वो क्यों कर दिया, ये तो फिर हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिख ही नहीं, कहलाने के लायक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ परसेंट बात तो हमें आए वो सिख के, गुरु नानक पाशाह के जो उपदेश है कुछ परसेंट, पर ये बातों से नहीं आएंगे। ये ताकत मिलती है अमृत वेले उठकर नाम जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। मैं यहाँ पर बैठ कर कह दूं आप निंदा करनी छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, शराब पीने छोड़ दो, नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक अमृत वेला नहीं है। एक बार अमृत वेला बन गया, अमृत वेले उठ के अमृत वाणी अंदर चली गई, फिर जहर की जगह ही नहीं बचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, कोई कहता है झूठ छोड़ दो, कोई कहता है शराब छोड़ दो, कोई कहता है मांस छोड़ दो, कोई कहता है गलत काम छोड़ दो। बाबा नानक सिंह जी कहते हैं सब करो, मैं कहता हूँ सब करो, पर एक काम कर लो, अमृत वेले उठ के नाम जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर उदाहरण देते, कमरे में अंधेरा हो, कोई बाल्टियां भर के बाहर फेंके, अंधेरा खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म होगा? एक दीपक जला लो। जिस दिन नाम का दीपक जल गया भीतर, फिर इन चीजों को जगह ही नहीं मिलेगी, दौड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये शराब तब तक अच्छी लग रही है जब तक अमृत नहीं पिया, ए रस आवा ओ रस नहीं पावा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। जा को रस हर रस है आयो, सो अन रस नहीं लपटायो। जिसे इसका रस आ गया, वाणी का रस आ गया, फिर दुनिया के कोई भी रस उसे मोह नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन। नानक नाम अराध सबनाते वड्डा, बस इस बात को मान लो, नानक नाम अराध सबनाते वड्डा, सब नावे अग्गे आन निवावे। दया करो नानक को पावे, मीठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक को पावे, मीठा लगे तेरा पाना। प्यार से बोल लिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो नाम जपते हैं, नानक नाम अराध सबना ते वड्डा, जो नाम जपते हैं, जिनके लिव जिनके सुरत नाम से जुड़ जाती है, सृष्टि उनके लिए अपने नियम तक बदल लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सृष्टि नियम बदल लेती है अपने उन भक्तों के लिए जो नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी के जीवन की कई घटनाएं हैं, कई, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों घटनाएं, सृष्टि ने अपने नियम बदल लिए उनके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस वक्त के राजा परेशान थे कबीर जी से, कि सारी दुनिया से लोग कबीर जी के घर के बाहर लाइन लगाकर बैठते हैं, राजा को मिलने नहीं जाते, कबीर जी को मिलने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक नीवी जात का आदमी, झोपड़ी में रहने वाला, लोग उसके बाहर लाइनें लगा के बैठे रहते हैं, फैसला कर दिया कि मरवा देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस वक्त के जो पंडित जो ज्ञानी जो परेशान थे कबीर जी से, सबने मन बना लिया कि अब कबीर जी को मरवा दें, हाथों में बेड़ियां पैरों में बेड़ियां, एक हाथी को शराब पिलाकर मस्त करके पागल हाथी को कबीर जी की तरफ भेज दिया कुचलने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथ पांव बेड़ियों से बंधे हुए हैं, हाथी को भेज दिया कबीर जी को कुचल दे, पर जब हाथी कबीर जी के पास आया, दर्शन किए, हाथी ने माथा टेक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर का नानक नाम अराध सबनाते वड्डा, ये नाम की ताकत को पहचानो। ये बातें दास क्यों बता रहा है, ये क्यों बता रहा है, इसकी वजह कल भी दास ने शेयर की थी, वजह
हमारे नजरों में जिस चीज की कीमत होती है उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। नाम की कीमत का आज तक हमें पता नहीं चला, हमारा मन नहीं माना नाम की कीमत को। अगर आपको पता हो सुबह 3 बजे 4 बजे कोई आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपया देने वाला है और बोले चाहे आपका ही अपना पैसा क्यों ना हो, तो ये पेमेंट मेरी सुबह 3-4 बजे ले लेना, फिर मुझे बाहर जाना है, मुझे बताओ कोई सोएगा रात को? वो जागता रहेगा, कहीं सो गया तो कहीं पेमेंट ना रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कि एक बार ले लूं फिर सो जाऊंगा, नहीं तो 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। जिस दिन हमें अमृत वेले के नाम की कीमत का पता चल गया ना, रात को सो नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये नींद तब तक आ रही है जब तक नाम की कीमत का नहीं पता। और दास की यही कोशिश है कि नाम की कीमत का पता चल जाए इस मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम कौर की साखी याद कर लिया करो, सुनी है सबने सच्ची घटना, जो अब भी जीवित है वो माता सतनाम कौर, मैं 2 बार मिला हूं उनसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितने लोगों ने ये घटना सुनी, हाथ खड़ा करें, बहुत थोड़े हाथ है। तो ये छोटी सी शॉर्ट में दास बता देता है ताकि नाम की कीमत का पता चल जाए। और ये घटना भाई साहब भाई गुरुकपाल सिंह जी आप जानते हैं, उन्होंने उनके साथ हुई थी। कहते मैंने नोट किया कि एक बीबी सब जगह पर पहुंच जाती है, हर जगह पर सत्संग में आगे आगे बैठी होती है। जब एक हर जगह पर ही पहुंच जाए, लुधियाना में सत्संग हो, दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो, वो वहां बैठी होती है, तो ध्यान जाता है भाई ये कैसे पहुंच जाती है हर जगह पर। तो कहने लगे, उसे बुलाकर पूछा, भाई तेरे घर वाले तुझे कुछ कहते नहीं, हर जगह पर तो पहुंच जाती है सत्संग, इतनी दूर 200 किलोमीटर दूर हो वहां पे पहुंच जाती है। तो वो कहने लगी, क्या करूं घर वालों का काम तो कोई आया नहीं मेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो कहने लगे, शायद मुझे लगा शायद वो घर वालों से दुखी है। तो पूछा, भाई क्या तकलीफ है तुझे, घर वाले तुझे प्रेम नहीं करते? कहने लगे, नहीं नहीं, मेरा घर वाला, मेरे बच्चे, मेरी बहुत मुझे प्रेम करते हैं, बहुत धनवान परिवार से हूं मैं, पर मेरे कोई काम नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने के खुलकर बात बताओ, सतनाम कौर ने जो बात बताई थोड़ा ध्यान से सुन लेना, आपको पता चले नाम होता क्या है। ये बार बार क्यों कहा है वाणी में, सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़, सब कूड़, नाम के बिना सारा दान पुण्य भी कूड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो लोग दान करके समझते हैं ना हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, अगर वो नाम नहीं जपते उनका दान भी जीरो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दान दिया हुआ भी तभी सफल होता है जब नाम का एक आगे लगा हो। जीरो की वैल्यू तब पड़ती है जब उसके आगे एक हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम कौर कहती है, कहने लगी, मेरी बात फिर ध्यान से सुनो। कहने लगी, मेरा रूटीन था कि मेरे अपने घर के बाहर 150 से 200 लोगों को, गरीबों को भोजन खिला के फिर भोजन खाती थी। इतना दान करती थी मैं रोज, कोई मेरे घर के दरवाजे से बाहर खाली नहीं जाता था। मैं बहुत धनवार परिवार से हूं, कई फैक्ट्रियां हैं, कई मिले हैं। तो कहने लगी, मेरी सहेली मुझे हमेशा कहा करती थी, कोई गुरुमुख थे, कि सत्संग में चला कर नाम जपा कर, पर मेरा मन नहीं मानता था, सत्संग में क्या करने जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर कहने लगी, एक दिन जबरदस्ती ले गई, जबरदस्ती जाकर मैं बैठी सत्संग में, मेरा मन नहीं लगा, कुछ मिनट ही बैठी थी मैं, 10-15 मिनट में उठ के बाहर आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बात भी आई गई हो गई, और क्या कहते हैं आगे, एक दिन मैं मर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप कुछ कहने लगे, भाई तू क्या कह रही है, तू तो जीवित है। कहने लगी, पूरी घटना सुन लो, मेरी सच में मौत हो गई। जमदूत मुझे घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना को सारे बड़े ध्यान से सुनना, एक एक पहलू बड़ा कीमती है, और ये घटना सच कैसे प्रमाणित होती है वो भी आप समझ जाएंगे। जमदूत मुझे बालों से घसीटते हुए लेकर जा रहे, और कहने लगे इतना वो रास्ता इस प्रकार से डरावना था कि मैं उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहते अगर आज भी वो याद करें तो मेरा शरीर कांप जाता है।
कहने लगे मैं चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। आगे चल के एक नदी आई जो पीक और लहू से भरी हुई, इतनी भयंकर नदी जिसके मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे सकती, ऐसी कोई चीज देखी हो तो कही जा सकती कि ऐसी चीज थी, ऐसी चीज कभी देखी नहीं। और जमदूत कहते हैं अब इस पे छलांग लगा और तैर कर उस तरफ आ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी मैं चिल्लाने लगी कि मैं तो डूब जाऊंगी इसमें, मैं नहीं जाऊंगी। जमदूत धक्का दे रहे हैं मैं जा नहीं रही, पर उन्होंने धक्का दे दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे उसी वक्त एक सफेद कपड़े में कोई आई, एक बीबी आई, उसने अपने पीठ पर बिठाकर मुझे उस नदी को पार करा दिया और दूसरी तरफ उतारा। मैंने उस बीबी से कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, अब आगे भी मेरा मेरी रक्षा कीजिए जमदूतों से, ऐसी जगह से। वो कहने लगे नहीं, मेरा काम यहीं तक था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतनाम कर कहती है मैंने उस बीबी से कहा तुम कौन हो और यहाँ पर मुझे क्यों बचाया, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बचाया तो आगे क्यों नहीं बचा रहे। कहने लगी मैं कोई बीबी नहीं हूँ, ये स्त्री नहीं हूँ, मैं वो तुम्हारा किया हुआ कुछ मिनट का सत्संग हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुमने जो कुछ मिनट सत्संगत में बिठाए थे मैं वो हूँ। तो कहने लगी मैंने जो इतना दान किया, सतनाम कौर कहती है इतने मैंने गरीबों को खिलाया उसका फल। तो कहने लगी दान का फल तो धरती पर ही मिल जाता है, जब तुम किसी को खिलाते हो कई गुना होकर गुरु तुम्हें दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 दान करोगे लाख पालोगे, लाख दान करोगे करोड़ पालोगे। दान के बदले धरती पर ही फल मिलता है, दान का फल साथ में नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात भी गुरबाणी प्रमाणित करती है, वाणी की पंक्तियां दास बताएगा पढ़कर। कहने लगे फिर जमदूत पकड़कर मुझे ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज कहने लगा ये किसे ले आए हो, ये वो सतनाम कौर नहीं है, ये दूसरी सतनाम कौर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस सतनाम कौर को लाना था वो इसकी दूसरी गली में रहती है। कहने लगी मैं हैरान हो गई। कहने लगी उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। ध्यान देना साचक जी। कहने लगी जब आंख खुली तो मैंने देखा रिश्तेदार आसपास रो रहे हैं, मेरा शरीर पड़ा है, सब रिश्तेदार इकट्ठे होकर मेरे आसपास रो रहे हैं कि मैं मर गई। कहने लगी जब मैं उठी तो मुझे लगा कि मुझे सपना आया, मरने के बाद कोई जीवित थोड़ा होता है, मुझे लगा मैं सपना देख रही थी और इन लोगों को लगा होगा कि मैं मर गई हूं, डॉक्टर ने कह दिया होगा मर गई हूं तो लोग इकट्ठे हो गए गलती से। कहने लगी मैं यही सोचकर बैठी थी, सब लोग खुश हो गए मैं जब उठ खड़ी हुई, पर कुछ ही देर में जब मुझे पास की गली में से रोने की आवाज आई और पता किया तो उस गली में जो सतनाम कौर रहती थी उसने शरीर छोड़ दिया है। तब कहने लगी मैं हैरान हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये औरत ये सतनाम कौर दास को दो बार मिल चुकी है खुद साथ संगत जी। मैंने इनसे एक हम मिलकर एक वीडियो फिल्म बना रहे हैं इनसे इंटरव्यू लेकर, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले, बात को समझो। ये जो बात सारी जो घटना हुई ये गुरबानी से प्रमाणित करती है। श्रवण कीजिए। जय है मात पिता सुत मीत न पाए, मन उहाना तेरे संग सहा। सतनाम कौर क्या कहती है कि मेरे घर वाला, मेरे बच्चे, मेरा किया हुआ दान कुछ मेरे काम नहीं आया, काम आया तो मेरा 15 मिनट जपा हुआ संगत में नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या करूं इस दान पुण्य का, क्या करूं घर वालों का। इसलिए जहां भी सत्संग होता है मुझे पता चल गया सत्संग की वैल्यू क्या है, अब मैं कोई सत्संग नहीं छोड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कह रही है जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सही। जा महा पयान दूत जम दल्ल। वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, भयानक रास्ता जमदूत घसीट कर लेके जाते हैं। जहां महा पयान दूत जम दल्ल तय केवल नाम। उसकी रक्षा करने कौन आया था जब जमदूत धक्का दे रहे थे, उसका 15 मिनट जपा हुआ नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिनवाए उदारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरह। जो लोग दान करते हैं और सोचते हैं उसका फल उन्हें मरने के बाद मिलेगा, वाणी कहती है नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं अनेक पुनः चरण, अनेक पुण्य कर ले तू, दान पुण्य कर ले, अनेक पुनः चरण करत नहीं तरह। हर को नाम
कोट पाप पर हरे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। इस नाम की कीमत को समझो। गुरु नानक पाशाह ये नहीं कहते काम धंधा छोड़कर जंगल में बैठ के नाम जपो, ये रास्ता ही नहीं है। गुरु नानक पाशाह केवल इतना कहते हैं कि प्रेफरेंस नाम को दे दो। प्रेफरेंस क्या होती है, समझो इसी वक्त एक शादी अटेंड करनी है आपको, इसी वक्त सत्संग हो रहा है, हम क्या करते हैं, शादी अटेंड कर लेंगे, सत्संग तो होता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि जिसकी शादी है वो नाराज हो जाएगा। हम प्रेफरेंस देते हैं दुनिया को, प्रेफरेंस देनी है गुरु नानक को, जो गुरु को आगे रखते हैं, जो प्रेफरेंस देते हैं नाम को, गुरु सहाय उनको होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम दुनियावी रिश्ते निभा लेते हैं, गुरु से रिश्ता नहीं निभाते, और हम चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, हम इसके हो जाए। बातों से नहीं होगा, समर्पण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी बार बार एक ही बात कहती है, प्रेफरेंस नाम को दे दो। अमृत वेले का समय है, सारी दुनिया का मोह छोड़ दो, उठकर बैठ जाओ, प्रेफरेंस गुरु को दे दो। नित्यनेम ना छोड़ो, 100 काम छोड़ दो, नित्यनेम ना छूटे। हमारे काम ये होता है काम ना छूटे, नित्यनेम कल कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नित्यनेम का मतलब समझो, जो नित नहीं वो नित्यनेम नहीं। नित्यनेम का भाव क्या है, नित्यनेम जो नित है, नहीं तो वो नेम है, नित्यनेम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिनका नित्यनेम पक्का हो, जिनका नित्यनेम पक्का हो, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं, लिखे हुए गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में। एक गुरुमुख ऐसा हो, ध्यान देना साथ संगत जी, हम डरते हैं कि फलाने ने जादू कर दिया, फलाने ने हमारे पे कुछ कर दिया, बहुत लोग डरते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन, एक गुरुमुख जो नित्यनेम का पक्का हो, पक्का, जिसने कभी नित्यनेम छोड़ा ना हो, अमृत वेले का कहते थे, उसके घर में किसी बुरी चीज ने क्या आना है, क्या असर करना है, कहते थे जिस मोहल्ले में वो रहता हो, उस गुरु सिख के सदके पूरे मोहल्ले में कोई बुरी चीज नहीं आ सकती। एक नित्यनेम की ताकत को समझो, ये नित्यनेम ही हो, पर जो कभी अमृत वेला ने छोड़ता हो, पांच वाणियां पढ़ता हो, सुखमणि साहब जी का पाठ करता हो, रहस्य साहब जी के टाइम, ये तो सीखने वाली बात है। इस देश में जहां पे आप रहते हो, सीखने वाली बात है। जब नमाज का वक्त होता है, सारे काम छोड़कर ये बैठ जाते हैं। हमने कभी रहस्य साहब जी का पाठ ऐसे किया है, कभी किया है हमने कि दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, छोड़ दो पहले रहस्य साहब जी का पाठ कर लो, ये होता है नित्यनेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के लिए ग्राहक को छोड़ देगा, एक बात बताओ, गुरु उसका नुकसान होने देगा? हमें भरोसा नहीं है, इन्हें भरोसा है अपने अल्लाह पर, है तो एक ही अल्लाह को, गुरु नानक को, हमें भरोसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस यही दास चाहता है कि हमारे मन में नाम की कीमत का पता चल जाए हमारे मन को, क्योंकि जिस दिन नाम की कीमत का पता चल गया, फिर अमृत वेले सो नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के निकली थी, तो एक छोटी सी घटना है, वो सुना के दास समाप्ति करेगा, क्योंकि इस घटना से, ये घटना ही ऐसी है, अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कोई थोड़ा सा भी प्यार करने वाला होगा ना, वो ये घटना सुनकर उसका अमृत वेला बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना सबने सुन रखी है, पर पूरी डिटेल में नहीं, 5 मिनट की है, सुन लीजिए। गुरु मेहर करे, अपनी शक्ति वो वरता है। सरसा नदी का किनारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पार कर लिया, 500 सिंह साथ में है। छोटे साहिबजादे बिछड़ गए नदी में माता के साथ, ध्यान देना जरा, उस समय को फिल्म की तरह अपनी आंखों के आगे जरा लाइए, कि परिवार का बिछोड़ा हो गया है, सरसा नदी पार कर ली है। हमारे जैसा कोई होता तो रोने लग जाता, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते, दया सिंह अमृत वेला हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया सिंह अमृत वेला हो गया है, कीर्तने सिंहों से कहो कि आशा जी दीवार का कीर्तन करें। दया सिंह हैरान, क्योंकि पीछे लाखों की तादाद में मुगल फौज आ रही है मारने के लिए,
और यहां पहुंच जाएगी कुछ ही समय में। और दया सिंह ने बेनती की, पाछा पीछे मुगल फौज आ रही है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, फिर ऐसा करो, सरसा नदी के उस किनारे पर 250 सिंह खड़े कर दो पहरे पे, और 250 सिंह बैठकर अमृत वेला संभाले। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आचार्य दीवार का कीर्तन श्रवण करें, एक मन एक चित होकर अमृत वेला नहीं गवाना है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे कोई बोल ना सका, कीर्तन शुरू हो गया। 250 सिंह जुड़े हैं समाधि में। ध्यान देना साथ संगत जी, युद्ध का मैदान है, मौत सर पर खड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि अमृत वेला संभालो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 250 सिंह वहां पर पहरा दे रहे हैं, मुगल फौज पहुंच गई, वो युद्ध हो रहा है। 250 सिंह शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, पर इस तरफ अमृत वेला हो रहा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 250 सिंह शहीद हो गए, आशाई दीवार का भोग पड़ा। दया सिंह इतिहास में लिखा है, पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से उसने एक सवाल किया, पाछा आज का दिन अगर अमृत वेला ना करते तो क्या हो जाता? आपके एक दिन के अमृत वेले ने 250 सिंह शहीद करवा लिए। प्यारे 250 सिंह, आज का दिन अमृत वेला ना करते तो क्या हो जाता? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के, क्या कहा दया सिंह, एक दिन अमृत वेला ना करते? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उस वक्त के वचन साथ संगत जी, दया सिंह तू कहता 250 सिंह शहीद हो गए, मैं कहता हूं 500 सिंह शहीद हो जाते, 500 के 500। तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता, पर आगे चलकर कोई यह घटना सुनता कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध के मैदान में मौत सर पर खड़ी है तब भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। अमृत वेला कितना जरूरी होगा कि अमृत वेला निभाया। इस घटना को सुनकर अगर एक सिक्का भी अमृत वेला बन गया तो यह सौदा महंगा नहीं, बड़ा सस्ता है। सत श्री अकाल। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कि अमृत वेला क्या है, कितना जरूरी है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 250 प्यारे सिंह शहीद करवा लिए। साथ संगत जी, युद्ध के मैदान में अमृत वेला नहीं छोड़ा। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए, आज हमारे पास सब कुछ है पर अमृत वेला नहीं। सब कुछ है, क्या नहीं दिया गुरु ने आपको यहां पर अमृत वेला नहीं। और बाबा ने वचन है महापुरुषों के, अगर अमृत वेला नहीं तो बाजी हार जाओगे, अमृत वेला नहीं तो 84 लाख जोनिया बाहर तैयार खड़ी हैं भुगतने के लिए, तैयार हो रहो। आज जो चाहते हो आपको मिलता है, फिर वो भी देख लो कुत्ता है, जिसे जब मालिक खिलाएगा तभी खाता है, भूल गया तो भूखा रहना पड़ता है, वो भी जोनिया है। अगर 84 लाख, क्योंकि 84 लाख जोनिया भुगत करिए, ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है, पाई परापत मानुक देहरिया गोविंद मिलन की ए हो, सिर्फ यही अवसर है, ये हो, ये नहीं कहा दूसरा तीसरा पांचवा, ए हो, ये लास्ट चांस है तेरे पास गोविंद मिलन की, ए हो तेरी बरिया, अवर काज तेरा कित ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, केवल नाम संग तेरा चल रहा है। इस बात को समझो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 250 सिंह शहीद कराए हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए, और आज ये घटना सुनने के बाद भी अगर हमारा अमृत वेला नहीं बनता कल, तो फिर तो बाजी हार गए समझो अपने आप, फिर हमारे जीवन में रोना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है, तिन्ना मिलन को आओ। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत के चरणों में बेनती है कि गुरु साहब जी के हजूरी में हाथ खड़े करके प्रण करो कि अमृत वेले जरूर उठेंगे, जरूर आएंगे। जकारा बुलाओ सारी संगत। सत श्री अकाल। बोले सोनिहार। सत श्री अकाल। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। अमृत वेले आकर आपको पता चलेगा अमृत वेले का रस क्या होता है, और गुरु नानक मेहर करे कि हमेशा का अमृत वेले के दांत बख्श दे। मेरी तो ये अरदास है सारी संगत के चरणों की, गुरु के चरणों में सारी संगत के लिए। अब पर आप भी मांगो, पावो दान टीठ होए मांगो, ये ढीठ होकर मांगो, पाछा ये अमृत वेले के दांत दे दे, ये जीवन की बाजी कहीं हार ना जाए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक।